If you are looking for a passive income idea, then this video might work for you. आज मैं जिस passive income idea के बारे में बताने वाली हूँ, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ Amazon KDP की books को read करना है. और इस idea के through, you can make around $50 to $400 per hour. यानी कि ₹3500 से लेकर ₹38,000 तक तुम per hour earn कर सकते हो. तो अगर तुम्हें ये चीज़ interesting लगती है, तो video को end तक ज़रूर देखना. But उससे पहले video को like करना और channel को subscribe करना एकदम मत भूलना, अगर तुम ऐसे ही content regular basis पे देखना चाहते हो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट आर Amazon KDP बुक्स. Amazon ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिसका नाम है Kindle Direct Publishing. इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इट हेल्प्स राइटर्स एंड ऑथर्स टू पब्लिश देयर बुक डायरेक्टली ऑन द किंडल स्टोर. ऐसा करने से जितने भी राइटर्स और ऑथर्स होते हैं उनकी बुक डायरेक्टली पब्लिश हो जाती है, उनको किसी पब्लिशर के थ्रू नहीं जाना पड़ता. और अब बात करते हैं तुम्हें क्या करना होगा. जितनी भी ये Amazon KDP बुक्स हैं उसको तुम्हें रीड करके एक ऑडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. यानी कि जितनी भी ये बुक्स हैं इनका ऑडियो फॉर्मेट बनाना होगा. और वो तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुक को रीड करना है और उसका ऑडियो का फॉर्मेट बना देना है. अब क्वेश्चन आता है इसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, वो ऑथर्स या तुम्हें वो बुक ओनर्स कहाँ मिलेंगे जो कि चाहते हैं कि उनकी बुक का एक ऑडियो फॉर्मेट भी है. उसके लिए एक वेबसाइट है ACX. तुम्हें जाके ACX पे ज्वाइन करना है और जितने भी ऑथर्स और राइटर्स मिलेंगे जो कि चाहते हैं अपनी बुक का वो ऑडियो फॉर्मेट, उनको जाके पिच करना है. तो डायरेक्टली हम चलते हैं ACX की वेबसाइट पे और देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बताने वाली हूँ. गीक फॉर गीक्स ऑर्गेनाइज कर रहा है सबसे बड़ा वर्चुअल इवेंट जिसका नाम है गीक समर कार्निवल. और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ढेर सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स, कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें मिलेंगी. यहाँ पर एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि साइड बाई वाइप पे तुमको हर कोर्स पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और फ्लैश सेल में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज पे. और स्टॉल ऑफ द डे पे मिल रहा है 20% का डिस्काउंट सारे लाइव कोर्सेज पे. इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी. तो ये इवेंट हमारा है 5 to 11 अप्रैल तक की. डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा और साथ साथ मैं कमेंट में भी इसका लिंक पिन कर दूंगी. तो जल्दी से पार्टिसिपेट करो अगर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है इस ईयर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें ACX की वेबसाइट पे जाना है. पहले हम इस वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों को समझेंगे. Your audiobooks will be sold through these online retailers, Audible, Amazon and iTunes. यानी कि जितनी भी तुम books read करके उनका audio format में convert करोगे वो तुम्हारी इन तीनों जगह पे sold होंगी. उसके बाद यहाँ पे लिखा है create ready for retail audiobooks. Studios and narrators welcome, increase your earning. अब यहाँ पे लिखा है learn how to increase your audience and sales and see how easy it can be to earn up to ₹75 with bounty referral program. इसके अलावा इनका referral program भी है जिससे तुम थोड़ा सा और पैसा कमा सकते हो. तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी books available हैं जो कि तुम्हें narrate करनी हो सकती हैं. उसके लिए ये जो option है find a book for your voice, इस पर क्लिक करोगे तो तुम देखो यहाँ पे 1701 titles match your search. यानी कि यहाँ पे अभी as of now 1700 authors हैं जो कि नरेटर्स को ढूंढ रहे हैं, जो कि उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी बुक को रीड करके उसका ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. तो तुम देखो यहाँ पे 1700 बुक्स अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं. अब हम इसमें से कोई भी एक बुक को पिक करते हैं और देखते हैं उसमें कितना कंपनसेशन मिलेगा, कितनी वर्ड लेंथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसके अलावा तुम्हें कुछ फिल्टर के ऑप्शन भी मिलते हैं, जॉनर, जेंडर, कंपनसेशन, फिक्शन, लैंग्वेज, एक्सेंट स्टाइल, वॉइस एज, प्रोजेक्ट लेंथ, प्रोजेक्ट स्टेटस. यानी कि तुम अपने अकॉर्डिंग, तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल पता है या पर्टिकुलर तुम्हारा एक्सेंट है उसके अकॉर्डिंग भी बुक सर्च कर सकते हो. उसके अलावा प्रोजेक्ट लेंथ, यानी कि तुम उन बुक्स को रूट करना चाहते हो जो कि अंडर 3 आवर्स होंगी, 3 to 5, 5 to 10, 10 और मोर आवर्स. अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट लेंथ 3 आवर्स का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि तुम्हें 3 आवर्स कंटिन्यूस रीड करना है, तुम टाइम ले लेके भी रीड कर सकते हो. मैंने यहां पे 2 बुक्स ऑलरेडी ओपन करी हुई हैं. पहली है हमारी नो लॉन्गर अनटचेबल, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हीरोइज्म एंड होप. अब इसकी लेंथ है 6.2 आवर्स और इसका प्रोजेक्ट बजट है $200 to $400
पर आर, और वर्ड काउंट है 58,000। तो तुम ये देखो, इस बुक को अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें 200 से 400 डॉलर्स पर आर मिलेंगे। यानी कि अगर तुम एक मिनिमम मान लो कि तुम्हें ये 300 डॉलर्स पे करते हैं, तो विद इन 6 आवर्स यू कैन अर्न अराउंड 300 × 6 इज 1800 डॉलर्स। दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। इसके अलावा अगर हम ये वाली बुक देखें, हिडन इन द कीज, तो इसकी एस्टिमेटेड लेंथ है 10 आवर्स एंड दे विल पे यू 5200 डॉलर्स पर आर। अब ACX पे पेमेंट के दो तरीके होते हैं। एक जो हमारा होता है वो होता है कि डायरेक्टली वो तुम्हें इतना डॉलर्स पे कर देंगे, और दूसरा होता है रॉयल्टी शेयर। सपोज अगर हम इस बुक को ओपन करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने लिखा है जो प्रोजेक्ट बजट है दैट इज रॉयल्टी शेयर। यानी कि ये तुम्हें डायरेक्टली बुक रीड करने के बाद पे नहीं करेंगे। जब बुक रीड करने के बाद, जब उसका ऑडियो फॉर्मेट बन जाएगा, तो जब भी वो बुक कोई खरीदता है तो उसका जितना पैसा आएगा वो तुमसे शेयर करेंगे। जितनी भी यहाँ पे बुक्स हैं ऑलमोस्ट सब 50% रॉयल्टी शेयर करते हैं। यानी कि सपोज ये जो इनकी बुक है नॉर्दर्न वेस्टर्न, ये सेल करते हैं अमेजोन KDP पे 10 डॉलर्स की, तो तुम्हें 5 डॉलर्स मिलेगा हर एक बुक सोल्ड होने पर। तो अगर तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वर्क करना है जिसमें तुम्हें रॉयल्टी शेयर मिला हो, तो उसके लिए आई विल गिव यू अ टिप। यहाँ पे जो टाइटल इन्फॉर्मेशन है इस पे क्लिक करना, अमेजोन पे व्यू करके देख लेना कि उस बुक की कोई सेल हुई है कि नहीं। अगर जैसे मैं इस बुक की बात करूँ तो इसकी अभी एज सच कोई सेल नहीं हुई है, तो चांसेस ये हैं कि जब कोई इसका टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं पढ़ रहा है तो मे बी इसका ऑडियो फॉर्मेट पढ़ने भी में भी इंटरेस्टेड ना हो। तो जितनी भी रॉयल्टी शेयर वाली बुक्स हैं उन पे, उनको तुम्हें जाके अमेजोन पे देख लेना है कि वो सेल हो रही है कि नहीं। अगर अच्छी सेल है तो आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर इट, इसका ऑडियो फॉर्मेट कन्वर्ट करो। तो तुम्हें अगर ऑडियो फॉर्मेट, कोई इसका टेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ रहा है तो उसका ऑडियो फॉर्मेट भी पढ़ेगा और तुम्हारी सेल अच्छी होगी। सो दीज वेर द टू टिप्स कि तुम्हें बुक कौन सी चूज करनी है। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा वर्क कैसे करता है। इसके लिए यू हैव टू गो टू दिस नरेटर ऑप्शन, तब तुम्हें इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिख जाएगा। हियर हाउ इट वर्क, स्टेप वन इज क्रिएटिंग अ प्रोफाइल, स्टेप टू इज अपलोडिंग योर सैम्पल्स, स्टेप थ्री इज हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट पेड, एंड स्टेप फोर इज ऑडिशन, एक्सेप्ट द ऑफर, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो ये देखो 6 स्टेप प्रोसेस है, इसको एक एक करके समझ लेना और देन यू कैन वर्क ऑन ACX एज अ नरेटर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर तुम्हें लगा हो कि ये काम तुम कर सकते हो और तुम इसको ट्राई करने की सोच रहे हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि तुम इन सारी चीज़ों पे अप्लाई करने से पहले थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना कि तुम्हें बुक्स कैसे रीड करनी होती है, ताकि तुम्हें बाकी सारी चीज़ें ईजी लगने लगे। तो पहले अपना ग्राउंड वर्क कर लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना, तभी इस वेबसाइट पर जाकर उन ऑथर्स को अप्लाई करना जिनकी तुम बुक रीड करना चाहते हो। उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।